इलाके में जो सफाई कामगार है, थोक मानदन पे करने वाला काम करने वाले कामगार है, एनएमटी के कामगार है, हॉस्पिटल के कामगार है, उनको समान काम समान वेतन लागू करने के लिए हमने आज आयुक्त को निवेदन दिया है इंटक संगठन की तरफ से। पिंपरी चिंचवड़ महापालिका आयुक्त ने समान काम समान वेतन वहाँ के जो भी सफाई कामगार हो वहाँ पे करार पद्धति पे काम कंत्राटी का पद्धति पे काम करने वाले लोगों को समान काम समान वेतन लागू किया है। ये कमिश्नर ने हमें कहा था कि पिछली बार अगर कोई कॉरपोरेशन अगर लागू करता है समान काम समान का वेतन तो उसका लेटर मुझे दिया जाए, तो आज हमने ये लेटर जो पिंपरी चिंचवड़ के श्रवण हर्डीकर आयुक्त है उन्होंने लागू किया है। हाई कोर्ट ने उनको 6 साल से पीछे, 6 साल कोर्ट में केस चल रही थी, 6 साल के पीछे से जो डिफरेंस है, एक एक आदमी को 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं पिंपरी चिंचवड़ वाले, तो हमने कहा है कि हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका जजमेंट हमने पेपर दिए है तो हमारे नवी में महापालिका सफाई कामगार से लेके थोक मानदन पे शिक्षक हो, एनएमटी के कंडक्टर ड्राइवर हो, वो जो भी क्लेरिकल हमारे थोक मानदन पे काम करने वाले सबको समान काम समान वेतन दिया जाए, इसके लिए हमने निवेदन किया। नहीं दिया तो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके बाद प्रशासन में, यहाँ के नवी मुंबई पालिका के प्रशासन में जो भी आश्वासित प्रगति योजना के लिए फाइल मूवमेंट करने के लिए अर्थकरण हो रहा है, वो अर्थकरण के बारे में हमने कमिश्नर को बताया है कि जो भी हमारे पालिका कर्मचारी को, अधिकारी को अगर फाइल कोई कुछ मूवमेंट पास करना है तो वहाँ पे पैसों की डिमांड किया जाती है, तो उसके लिए जो 8-8, 10-10 साल से वो चेयर पर बैठे हैं उनको, उनका तबादला होना जरूरी है। नाशिक पैटर्न में विशेष मांगासोरी के भर्ती करके, वो एक्चुअली वो टाइम भर्ती हुए थे, वो टाइम प्रशासकीय अधिकारी सिंधरकर साहब थे, उसमें से उन्हें उनके लेटर में क्लियर कट है कि आप 3 साल काम करने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, मगर वहाँ पे ऐसा अभी तक किया नहीं उनको। किसी को 5 साल में परमानेंट किया, किसी को 6 साल में परमानेंट किया, उसमें से कोई लोगों को 2 साल में परमानेंट किया, उसकी जांच पूरी की जाए और जो भी उनके डिफरेंस है वो डिफरेंस के हिसाब से वो डेट से उनको परमानेंट किया जाए, यानी क्योंकि वहाँ से उनको आगे प्रमोशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आयुक्त नए हैं, उनको हमने कहा है कि 8 और 10 साल से प्रशासन में लोगों, प्रशासन के लोग प्रशासन में 8 और 10 साल से बैठे हैं, हमने कहा है कि क्या कि उनको जल्द से जल्द तबादला कीजिए, क्योंकि क्या नया प्रशासकीय डेपुटेशन का प्रशासकीय अधिकारी है और एडिशनल के पास प्रशासन, आयुक्त के बाद एडिशनल प्रशासन देख रहे हैं, हमारे प्रशासन अधिकारी चाबूसवर है और उसके बाद हमारे सब यहाँ के अधिकारी है, मगर आश्वासित प्रगति योजना जिनको 24 साल, एक्चुअली 12, 10 और 20 साल में देनी चाहिए, किसी को 28 साल हुई है अभी तक नहीं, फाइल मूवमेंट नहीं हो रही, प्रशासन में वैसे ही फाइल धूल, पूरे फाइल के ऊपर धूल जमी हुई है, वो धूल झटकने के लिए हमने आयुक्त को निवेदन दिया है जल्द से जल्द जो भी फाइल पड़ी है वो क्लियर करके हमारे लोगों को न्याय दो। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि नवी मुंबई महापालिका में 2 पद जो एडिशनल कमिश्नर के हैं उसमें 1 पद हमारा है, एक पद जो हमारा यहाँ का, हमारा नवी मुंबई महापालिका अधिकारी जो हमारा हक है वो अधिकारी 1 पद पे बैठना चाहिए अतिरिक्त आयुक्त के लिए, मगर यहाँ पे दोनों डेपुटेशन पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 उपायुक्त होने चाहिए, पर हमारे पालिका में अभी 2 ही उपायुक्त है कि पूरे बाहर के उपायुक्त भरे हैं, तो हमारे महापालिका के लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा तो वो उपायुक्त हो गए, वो सहायक आयुक्त हो गए, वो सहायक आयुक्त कब हो गए, जब वो सहायक आयुक्त हो गए तब वो उपायुक्त हो गए, उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त हो गए, सब डेपुटेशन के अधिकारी यहाँ पे भरे हुए, उपायुक्त से लेके सहायक आयुक्त से लेके सबको डेपुटेशन का अधिकारी चार्ज दिया जाएगा तो हमारे अधिकारी कहाँ जाएगा, हमारे अधिकारी को प्रमोशन कौन देगा, इस बारे में हमने आज बात की। आयुक्त बोले जल्द से 1 हफ्ते में आपका वही लोगों को प्रमोशन दे के आगे से उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। देखिए अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया था, हमने ये मुद्दा आज से शुरुआत की है क्योंकि हमारे पालिका के मनपा अधिकारी जो भी है उनको वो पद, जो पद चाहिए वो पद पे हमें बिठाना ही है। उपायुक्त हमारे 5 उपायुक्त हक के है। अभी कमिश्नर का कहना है कि आकृतिबंध मंजूर नहीं है, अगर आकृतिबंध मंजूर नहीं है तो पुराना आकृतिबंध नया आकृतिबंध मिला के जिसको प्रमोशन है उनको प्रमोशन देना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अगले साल बहुत से लोग रिटायर्ड होने वाले हैं, अगर सहायक है तो उपायुक्त लेके वो रिटायर्ड हो सकते हैं, मगर वो अभी हमने मांग की है, आगे देखते हैं ये हफ्ते भर में 15 दिन में जो होता है, नहीं तो एक हम लोग एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के इरादे से हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।